गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स यू रिमेम्बर द लास्ट टाइम आई वॉज टीचिंग यू ट्राई दिस। इन दैट पेज नंबर 494 अपनी टेक्स्ट बुक का है, वहाँ पे क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर उसी के हमने 2 तक करवाया था, 3 ऑनवर्ड्स बाकी थे। तो हमारा जहाँ से ये इनकम्प्लीट है वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। लेट स्टार्ट फ्रॉम हियर। फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हमको फाइंड करना है जो नंबर दिए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। तो 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज 11 स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है। 55 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 55 नहीं है। रीज़न क्या है? 7 का स्क्वायर करते हैं 49 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं 64 आता है। तो 49 और 64 के बीच में कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 55 इज नॉट बिलोंग ऑफ एनी ऑफ दिस, फाइनली दिस इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। नाउ 49 की बात करेंगे, 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे? 7 स्क्वायर क्या होता है? 49। सो 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है। नाउ 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वाई? बिकॉज 8 स्क्वायर क्या होता है? 64। नाउ 69 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज यहाँ पे एज लिखा है, एज का मतलब क्योंकि 7 स्क्वायर 49 होता है, 8 स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है, और 9 का स्क्वायर कर दें तो 81 होता है। तो मतलब 64 और 81 के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 69 इज नॉट बिलोंग एनी ऑफ दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ट्राई दिस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स दिया है उसे मुझे एक्सप्रेस करना है। किस तरह से? कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में। चलो स्टार्ट करते हैं। 21 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 11 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर। प्रॉपर्टी क्या है थोड़ा याद रखना है। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या होता है कि एन इक्वल टू आप 21 ले लीजिए, और एन इक्वल टू अब एन इक्वल टू 21 हो गया, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। एन स्क्वायर माइनस 1, और एन स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, माइनस 1 हो जाएगा तो 220 एक नंबर आएगा। और दूसरा एंड एक और देखेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और क्लियर करूँ मैं। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब किस तरह से, देखो 21 जो है ना, 21 का स्क्वायर होता है 441। तो कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनका ऐड करने पर हमारे पास 441 आता है? तो उसके लिए क्या करना है, एन स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 करोगे। यहाँ हमने एन का स्क्वायर कर दिया, 21 का स्क्वायर होता है 441, सब्ट्रैक्ट करोगे 440 आएगा, डिवाइड बाय 2 221। फिर एन स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 करोगे, जिस तरह से इसको आगे सॉल्व करोगे 221 आएगा। देखो इन दोनों को ऐड करोगे 441 हो रहा है। तो एन स्क्वायर, नाउ ये 2 नंबर हो गए हमारे पास, ये एन स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 बाय 2। तो 21 इसका स्क्वायर क्या होगा, 220 प्लस 221 इक्वल टू 441। वैसे ही इस सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 13, उसमें सेम इसके लिए करेंगे। एन इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर एन स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 और उसके बाद एन स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 इसके अंदर हम रखेंगे तो हमें एक 84 मिल रहा है। और दूसरा जो मिलता है इधर देखेंगे हम लोग दिस साइड, वो मिलेगा आपको लुक एट हियर, दिस इज़ व्हाट 85 मिल रहा है। तो 13 स्क्वायर ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को लेके बन गया है, एक 84 और 85 दोनों को ऐड करोगे 169 आएगा। थर्ड फोर आपके लिए होमवर्क में दिए हैं। डू थिंक द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, इज द सम ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर गिव एन एग्जाम्पल। देखो रिवर्स में पॉसिबल नहीं है, जैसे कि नो इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 6 11 होता है, तो 11 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 21 और 22 करते हैं, 2 हमने नंबर ऐड किए, 43 किसी का भी नंबर नहीं है। तो ये हर बार नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, समझेंगे। कह रहा है 2 हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर कर दो और 8 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर कर दो और 9 का स्क्वायर कर दो, 15 का कर दो 14 का कर दो, 101 का कर दो और 100 कर दो। तो इस तरह से हमारे पास 81 माइनस 64 आ रहा है, आंसर क्या आएगा 17। और ये 17 को एक इवन और ऑड के फॉर्म में लिख सकते हैं, 9 प्लस 8, यहाँ देखो 9 प्लस 8, यहाँ भी देखो 10 का स्क्वायर 100, 9 का 81, दोनों को सॉल्व करोगे 19 आएगा और इट कैन बी रिटर्न 10 प्लस 9। ध्यान से देखो 10 यहाँ भी है और 9 ये आ गया, 9 यहाँ है 8 यहाँ गया। तो ये कभी कभी पॉसिबल होगा, हर बार नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉपर्टी है। इफ़ n प्लस 1 एंड n माइनस 1 आर 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन
और ऑड नेचुरल नंबर देन एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन होगा। देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों कैसे हैं, इवन है, ये दोनों कैसे हैं, ऑड हैं, ये दोनों कैसे हैं, ऑड हैं। तो इस केस में क्या होगा, एन माइनस वन और एन प्लस वन, तो 11 का स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा, क्या आएगा, 11 स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा, और उसमें 1 कर दो तो 120 इसका आंसर बनेगा। तो क्या कह रहा है कि इस टाइप के नंबर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जहां इनके दो पार्ट होंगे 11 माइनस वन और 11 प्लस वन। यहां भी n प्लस वन लिखा था, n माइनस वन लिखा था, ध्यान से देखो 11 माइनस वन है, ये 11 प्लस वन है। सॉल्व कर सकते हैं 11 13 का भी इसी तरह से, 12 माइनस वन कर देंगे, 12 प्लस वन कर देंगे, 12 स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। यहाँ दोनों हमारे ऑड नंबर हैं, 26 माइनस वन कर देंगे, 26 प्लस वन कर देंगे, तो 26 स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, इनकी यूनिट डिजिट क्या होगा, हमें हर बार इसका यूनिट प्लेस का स्क्वायर ही करना है। 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 1 आएगा, क्योंकि 81 आता है उसमें हम यूनिट प्लेस अकेला लिखेंगे। 3 का करेंगे 3 3 9 9 आएगा, 4 का करेंगे 16 आएगा, तो 6 यूनिट प्लेस लिखेंगे। 7 का स्क्वायर, यहाँ लास्ट यूनिट प्लेस का ही आप स्क्वायर करोगे, 7 का करेंगे 49 आएगा, तो सिर्फ 9 लिखेंगे। 8 का करेंगे 8 64 होता है, तो सिर्फ 4 लिखेंगे। उसी तरह 0 है तो डबल दो बार 0 आ जाएगा, और 2 टाइम्स यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ 6 है तो 36 ही आएगा, और 5 का करेंगे तो 5 ही आएगा। आई हैव रिटन हियर, देखते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ 81 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 272, यूनिट डिजिट ऑफ 272 स्क्वायर, 2 का करेंगे 4 आ जाएगा, 799, तो यूनिट डिजिट ऑफ 799 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, क्यों, 99 81 होता है, तो इसका 81 में यूनिट प्लेस क्या होता है, 1 होता है। वैसे 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, और 7 7 49, और मैंने आपको 8 9 10 आपको होमवर्क में दिए जो आपको सेल्फ कर लेने हैं। चलो, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन, ये नंबर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रीजन बताएंगे। तो यहाँ पे 7 डिजिट आ रहा है, तो एंड्स विथ 7 एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस 7 के साथ एंड हो रहा है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। पहले ही हमने बताया था, अगर उसका नंबर 2 हो 3 हो, 2 3 आता है और 7 आता है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 3 आ गया, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता है, 2 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता है, 000 यहाँ 30 है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा। देखो लिखना कैसे है, 1057 एंड विद द 7 एट यूनिट प्लेस, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 23453 एंड्स विद द 3 एट यूनिट प्लेस, सो इट इज़ नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। 8 एंड होता है यूनिट प्लेस पे, सो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2 है जो यूनिट प्लेस पे आता है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसमें 3 times 0 है, स्टूडेंट्स याद करो, 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है, उसमें 2 0 आते हैं, तो हमेशा 0 जो आएंगे वो पेयर में आएंगे, 2 4 6 8, यहाँ पे 3 है, सो फाइनली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, आगे बढ़ेंगे, चलो समझते हैं इसको। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड, इनमें से किसका स्क्वायर ऑड होगा, 1 का स्क्वायर ऑड होगा, 6 6 36 इसका तो इवन होगा, 9 9 81 1 आएगा, इसका ऑड होगा, 4 4 16 इसका ऑड होगा। तो लिखा है, वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड एंड द स्क्वायर ऑफ इन इवन नंबर इज इवन। 1 है तो 1 का क्या होगा, ऑड होगा, 6 है तो 6 का क्या होगा, इवन होगा, 9 है, 9 9 81 होता है तो ऑड नंबर आएगा, और 4 4 16 होता है तो इवन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 3, अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला। ऑब्जर्व द फॉलोइंग्स पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट, 11 किया है 121 हो गया स्टूडेंट्स, 101 किया है तो 102 201। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ 0 है तो यहाँ दोनों जगह 00 आया, यहाँ 00 है तो दोनों जगह 00, और बीच में सेंटर में देखो 222 इंक्रीज हो रहा है, तो इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है। 1 पीछे लिख दिया है, 1 पीछे, इन दोनों का एडिशन बीच में लिखा हुआ है, 1 पीछे लिखा हुआ, 1 पीछे लिखा, इनका एडिशन यहाँ पे 2 लिख दिया गया। तो इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हम लोग पास कितने 0 दिए हैं, यहाँ पे देखते हैं 6 0 हैं, तो आपको ये 1 लिखना है, यहाँ पे 6 0, फिर 2, फिर 6 0 और 1, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क में दिया है, जो आपको सेल्फ करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर, हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। स्टूडेंट समझते हैं, ये क्वेश्चन में क्या दिया था हमारे पास, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर = 3 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर = 7 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर = 13 स्क्वायर है, ये हमारा क्वेश्चन था। और यहाँ फिल इन द ब्लैंक, देखो लॉजिक क्या है स्टूडेंट्स,
वन टू जा टू होता है, टू थ्री जा सिक्स होता है, थ्री फोर जा ट्वेल्व होता है, फोर फाइव जा यहाँ क्या आएगा ट्वेंटी आएगा, अब फाइव सिक्स जा यहाँ थर्टी है तो फाइव सिक्स जा यहाँ पे क्या आएगा सिक्स आएगा, सिक्स सेवन जा फोर्टी टू यहाँ फोर्टी टू आएगा। ध्यान से देखो टू के बाद यहाँ थ्री है, सिक्स के बाद यहाँ सेवन है, ट्वेल्व के बाद यहाँ थर्टीन है, यहाँ ट्वेंटी वन है तो यहाँ क्या आएगा ट्वेंटी आएगा, थर्टी वन है तो थर्टी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ये सिक्स सेवन जा फोर्टी टू, यहाँ फोर्टी टू है यहाँ फोर्टी थ्री। चलो हम सोल्यूशन देखते हैं, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर और टू स्क्वायर क्या आएगा थ्री आएगा, टू थ्री जा सिक्स और यहाँ पे सिक्स है तो यहाँ सेवन आया, थ्री फोर जा ट्वेल्व यहाँ ट्वेल्व है तो यहाँ थर्टीन आया, यहाँ पे ये मिसिंग था जिसका आंसर हमें क्या आएगा ये यहाँ पे ट्वेंटी आ जाएगा ठीक है, और यहाँ पे ट्वेंटी वन, और फिर उसके फोर फाइव जा थर्टी ये वाला भी कैसा था मिसिंग था और यहाँ भी ये मिसिंग था, तो ये कैसे हुआ सिक्स सेवन जा फोर्टी टू और फोर्टी टू के बाद फोर्टी थ्री, थर्टी का थर्टी वन स्क्वायर, ट्वेंटी का ट्वेंटी वन स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स वेल। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर सेवन, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, इनको ऐड नहीं करना है और सम फाइंड करना है, तो रूल्स देखो इसका, द सम ऑफ द फर्स्ट फाइव ऑड नंबर्स, तो क्या करना है यहाँ गिन करेंगे एक दो तीन चार पाँच है तो फाइव स्क्वायर कर देंगे, फाइव स्क्वायर क्या होगा ट्वेंटी फाइव, तो इनका सम आएगा ट्वेंटी फाइव। वैसे ये काउंट कर लेंगे कितने नंबर हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन है तो टेन टेन से क्या होता है हंड्रेड, तो इनका सम आएगा हंड्रेड। लुक एट हियर आई हैव डन हियर, क्वेश्चन नंबर थ्री आपको समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर एट को समझेंगे, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ सेवन ऑड नंबर्स, तो 49 को हमको एक्सप्रेस करना है सेवन ऑड नंबर्स में, तो सेवन स्क्वायर लिख देते हैं सम ऑफ फर्स्ट सेवन ऑड नंबर्स कौन से होंगे, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन प्लस थर्टीन, ये सात नंबर हैं इनको ऐड करोगे 49 आएगा। वहीं 121 है तो 121 को कैसे लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, और दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स, तो वन से लेके वन प्लस थ्री प्लस फाइव ये एक दो नंबर ऑड नंबर में कंटिन्यू करेंगे, कब तक जब तक कि 11 डिजिट ना हो जाए, 11 तक ना आ जाए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 टाइम्स आ गया और 121 आ जाएगा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे 12 और 13, इनका स्क्वायर करने के बीच स्क्वायर करोगे 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। एक शॉर्ट मेथड भी है स्टूडेंट्स, बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव मतलब ऑर्डर में है, ऑर्डर 12 के बाद 13 आता है, 25 के बाद 26 आता है, 99 के बाद 100 आता है, अगर हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं तो उसके लिए शॉर्ट मेथड है क्या, बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन स्क्वायर दे आर द टू एन नॉन स्क्वायर्स नंबर, टू एन मतलब यहाँ जो नंबर दिया है उसका क्या कर देना है आपको डबल कर देना है, तो नेचुरल नंबर्स बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर दे आर द टू एन नॉन स्क्वायर्स नंबर, टू एन के फॉर्म में होंगी, और एन यहाँ मतलब छोटा नंबर हमारा एन है, यहाँ पे एन क्या है 12, तो टू 12 टू जा 24, वैसे ही 25 और 26 का करेंगे तो 25 टू जा क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड होल थिंग्स, क्वेश्चन नंबर थ्री आपको होमवर्क में दिया गया है, ओके थैंक यू।